देंगे तो तैयारी हो जाएगी, उसके बाद अब आप लोगों का काम होना है। इनके चौहान साहब यही कह रहे हैं। अब आप उसके बाद तो कितनी बार बताया गया, परसों बताया गया, कल बताया गया, आपके साथ डिबेट में मैं गया, कल R9 भारत में भी था, अमिताभ अग्नोत्री जी के साथ पूरी बात चली गई, पूरे देश में चला गया और लोग संतुष्ट हैं। जिनको केवल व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे उंगली करना है उनके लिए कोई संतुष्टि नहीं है। और ऐसे साथियों से मेरा निवेदन है कि कुछ दिन के लिए आप भी शांत हो जाइए, अन्यथा की दृष्टि में सबका नुकसान होगा, उसकी जिम्मेदारी आप सबकी है। और अगर ऐसा आप लोग आघात करेंगे तो क्षम भी नहीं होगा। जितना बना करके हम लोग पटरी पे ला के रास्ते पे लोगों को खड़ा किए हैं, अगर उसको तुम लोग बिगाड़ने में लगे हो और बिगाड़ोगे तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। शुक्ला जी से कुछ तकनीकी व्यवधान आया है, जल्द हमारे साथ होंगे। बात कुल मिला के यही है कि उस दिन खुद विधायक जी ने कहा कि जो आप कमेंट लिख रहे हैं वो सब हमारी निगाह में है, जो आप लिख रहे हो वो मैं समझ रहा हूं, देखो फिर लिख दिया। तो कुछ है, अगर 100 कमेंट आते हैं तो उसमें से मुश्किल से एक या दो होता है, और उनके लिखने से उन पर क्या असर पड़ेगा इससे कोई लेना देना नहीं है, किस किस का नुकसान हो जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। दर्शक, आपको याद होगा कि धरने के बाद एक शिक्षा मित्र ने सुसाइड कर लिया था मैनपुरी में, उसके बाद उसकी दोनों बेटियों ने सुसाइड का प्रयास किया, कल वो बेटियां इस संसार से दोनों विदा ले गईं। समझ रहे हो, उस शिक्षा मित्र की दोनों बेटियां संसार से विदा ले गईं, दोनों की मौत हो गई इलाज कराते कराते। मां अस्पताल में फिरोजाबाद में इस समय एडमिट है। आज मैंने जब हाल लिया तो मेरा हालात खराब हो गई, बहुत ही गंभीर बात थी। शुक्ला जी अभी आएंगे, मैं उन्हें भी बताऊंगा इस बात को। मैं शुक्ला जी मिश्रा जी, शुक्ला जी आपको याद होगा एक मैनपुरी के शिक्षा मित्र ने आत्महत्या कर ली थी 5 तारीख के बाद जी। आज उसकी दोनों बेटियों ने कुछ पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसे लगा कि पिताजी शादी के अभाव में जान दे बैठे, बेटियां दोनों जवान थी। आज सुबह मुझे जब पता लगा तो वास्तविक बात मैं अपनी बताता हूं, बाकी तो जो लोग हैं जिनकी जैसा दिल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत, मेरे से तो आप 2-3 वर्ष से परिचित हो, मैं तो बहुत भावुक प्राणी हूं, मैं तो परेशान हो जाता हूं। मैंने फिर पता किया, शिक्षा मित्र की पत्नी फिरोजाबाद में जिंदगी और मौत से जूझ रही है, सब कुछ खत्म हो गया इस एक अभाव में। साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सभी का आज के इस नए वीडियो में, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, वर्तमान की ही एक बड़ी खबर है जो कि आप सभी के बीच में इस खबर के माध्यम से साझा करनी है। फिलहाल सभी साथियों से एक अपील है, इस वीडियो को आप पूरा देखें, अपने साथियों के मध्य भी इसे शेयर कर दें। अब चलते हैं अपडेट पर। उन बेटियों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, मैं शून्य में चला गया, मैं लगभग आधा घंटा परेशान रहा। घर बच्चों ने पूछा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमने कहा। जब बहुत बात की तो मैंने बताया, शुक्ला जी मेरे पास कुछ शब्द नहीं थे, कलम कुछ भी लिखते रहो, कलम कुछ भी पढ़ते रहो, आप मुझ पर कुछ आरोप लगाते रहो, सुपर शुक्ला पर कुछ आरोप लगा दो, सरकार पर कुछ आरोप लगा दो, लेकिन जो घटना घटती नहीं है तो बर्दाश्त नहीं होती है शुक्ला जी। उसका तो परिवार तबाह हो गया। बेटियों ने समझा कि पिताजी ने हमारे चक्कर में कर ली कि बड़ी बेटियां जवान हो चुकी हैं, इनकी शादी कैसे होगी। आप समझिए घर वाले कितने संवेदनशील है, बच्चे कितने, अब बच्चों को लगा जब पिताजी ने हमारी वजह से कर लिया तो अब हमारा कौन होगा, क्या होगा। शुक्ला जी बड़ी भावुक बात है, चूंकि आप संगठन के नेता हैं इसलिए मुझे लगा कि आपको बताया जाए, चूंकि अभी तक आप तक ये मैसेज पहुंचा नहीं होगा, मुझे पूरा पक्का अनुमान है। मिश्रा जी बहुत ऐसी घटनाएं हैं, अभी बिजनौर के साथी रेल के नीचे चले गए, उन्होंने सुसाइड नोट लिखा, हमारे एक साथी सुसाइड नोट लिख करके नहर में छलांग लगा दिए, मैं उनके घर गया, वहां गया, जानकारी हुई थी मैनपुरी, हमने अपने अनुराग मिश्रा जी जिलाध्यक्ष जी को कहा है, वो लोग गए हैं और मैं कोशिश करूंगा। लेकिन अब जैसे किसी भी विषय का
ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम जहर खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे, तो वो कम से कम हम ये सोचे कि मेरे रहने के बाद अगर मेरा परिवार संतुष्ट नहीं तो मेरे जाने के बाद मेरा परिवार कैसे पलेगा, मेरा परिवार का मेरे क्या होगा। इसीलिए मैं बार बार लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार का घातक कदम ना उठाइए, आप शांत रहिए, आप सिस्टम में रहिए। और जो कुछ परेशानियां होती, जो आदमी 10,000 भी नहीं कमाता वो भी अपनी बेटी की शादी कर रहा है, जो आदमी ईंटा गारे काम कर रहा है वो भी अपनी बेटी की शादी कर रहा है। ठीक है, हमारी समस्या है और उसी समस्या के लिए हम लोग सब कुछ छोड़ करके लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। मिश्रा जी आप देख रहे हैं, इतनी व्यवस्था के बाद अभी दीपावली तक शासनादेश होना था, अस्पष्ट हो गया था, अधिकारियों ने भी संकेत दे दिया था, प्रमुख सचिव ने भी कह दिया था, डीजी ने भी कह दिया था, मंत्री भी बोले थे, लेकिन नहीं हो पाया। ये चाहे मेरा समझ लीजिए समय खराब है या सिस्टम ऐसा है कि जो बाधक बार बार बनता है, लेकिन उसके लिए हम लोग अपना जान गंवा दें, हम आत्मघाती कदम उठाएं, तो ये बहुत अच्छा नहीं होता है और इससे परिणाम नहीं बदलेगा, इससे हमारी हालात बिगड़ जाएगी, इससे हमारे लोगों की को समस्याएं का सामना करना पड़ेगा, दिक्कतें आ जाएंगी। लेकिन अगर वो सोचे कि इससे